उत्तम कुमार श्रीवास्तव, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आया हूँ 752EX डबल ड्रम रोलर है, उसमें फीएट का इंजन लगा होता है। तो उसमें एक छोटी सी जानकारी है जो कि बहुत से मैकेनिक भाइयों के लिए कभी कभी प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। तो उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, शायद आपके लिए बहुत यूजफुल हो। बाकी जिसको मालूम है उसको उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो इसको नहीं मालूम है या ऑपरेटर भाइयों के लिए या ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या जानकारी है वो। दोस्तों, ये फीएट का इंजन है, इसमें रोटरी पंप लगा हुआ है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम ये पाइप खोल देते हैं, जो प्रेशर का नोजल का प्रेशर पाइप होता है, अपना इनलाइन पंप होता है तो उसमें तो समझ में आ जाता है कि हाँ हमको पाइप कैसे लगाना है, पर रोटरी पंप में बहुत से भाइयों को समझ में नहीं आता है। तो आइए आपको दिखाते हैं, दो तरीका आपको बताएंगे जो कि आप बहुत आसानी से ये पाइप कोई भी खोल के दे देगा, आप आसानी से लगा लेंगे। पहला तरीका ये है, आके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ए दिखाई देगा, ए, फिर इधर देखेंगे तो भी चार सिलेंडर है तो ए बी सी डी लिखा होगा। तो ए लिखा है यानी कि एक नंबर, बी लिखा है यानी कि दो नंबर, सी होगा तो तीन नंबर, डी है तो चार नंबर। ठीक, ऐसे ये है। तो ये देख सकते हैं, ये पाइप इधर से जाके इधर से निकल के एक नंबर के नोजल पे गया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपको ये मिल गया, ये आपको नहीं दिख रहा है या आपको दिक्कत हो रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये पंप है, पंप के सामने वाला एक ये पाइप उठाना है, ये हमेशा एक नंबर रहता है, यहाँ से उठाइए, इसको एक नंबर पर कस दीजिए। और चार सिलेंडर का इंजन है तो इसमें फायरिंग और इसका ऑर्डर होता है 1 3 4 2। करना है क्या, एक चला गया, एक के बाद आता है तीन, और हमको ऐसे क्लॉक वाइज घूमना है, एक के बाद आता है तीन। तो ये तीन लीजिए, यहाँ पे एक पाइप कसी और इसको सीधे तीन पर लेके जाइए। देखिए ये तीन पे गया भी है, ये जाके यहाँ से निकल के ये तीन पे चला गया है। उसके बाद आते हैं 1 3, उसके बाद आता है 4 नंबर। यहाँ से पाइप उठाइएगा, देखिए ये यहाँ पे पाइप कसा हुआ है, ये सीधे यहाँ से जाके इधर से ये पाइप निकल के यहाँ पे 4 नंबर पे आया हुआ है। उसके बाद से आता है 2, यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, ये यहाँ से निकल के सीधे आ गया यहाँ 2 नंबर पे। तो 2 तरीका है, जो कि हमको लगता है कि ये ए भी ना देख के डायरेक्ट आप पंप आपके सामने यहाँ से 1 नंबर उठाइए, और इसके बाद फायरिंग ऑर्डर जो अगर 3 सिलेंडर का है तो 1 3 2 होगा, 6 सिलेंडर का है तो 1 5 3 6 2 4 ऐसे होता है। तो यहाँ से उठाइए और ऐसे घूमते हुए चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको खोल के दे देगा, आप आसानी से पाइप लगा सकते हैं, प्रेशर पाइप। जानकारी आपको अभी तक मालूम थी, अगर मालूम थी कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम है तो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ में एक बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाले इसी तरह के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।